हे व्हाट्सअप गाइस, खबरें हैं बहुत सारी। सो करते हैं वीडियो को शुरू। इससे पहले आप कर ले चैनल को सब्सक्राइब इन फ्यूचर ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले सिद्धू मूसेवाला एंड उनके मर्डर केस मास्टरमाइंड गोल्डी ब्रार के बारे में। आप पार्टी के लीडर भगवंत मान ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि गोल्डी ब्रार को कैलिफोर्निया में डिटेन कर लिया गया है एंड वह जल्दी इंडिया लाए जाएंगे। गोल्डी ब्रार, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। रिसेंटली अभी हमने गोल्डी ब्रार को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था होम मिनिस्ट्री से, तो अभी हमें पता चला है वो डिटेन हो गया है। जल्दी ही उसको यहाँ पे लाया जाएगा। बड़ी बड़ी हत्याओं में उसका हाथ है और कानून के मुताबिक उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और परिवारों को इंसाफ मिलेगा। बता दें कि इस इंसिडेंट के एक दिन पहले ही सिद्धू मूसेवाला के फादर ने गोल्डी ब्रार के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाले को 2 करोड़ देने की बात कही थी। बढ़ते हैं अगले बिग अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है वायरल पाकिस्तानी डांसर आयशा की तरफ से, जिनका ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद ही इनके फॉलोअर 6 लाख तक बढ़ गए, बट इन्हें इनके एक पोस्ट के लिए काफी सारा हेट मिल रहा है उनके कमेंट सेक्शन में। लोग लिख रहे हैं टाइम टू अनफॉलो, थोड़ा सा फेम क्या मिल गया आ गए औकात में, अब ऐसे ऐसे गंदे इशारे मत करो, 500 की वापस भी जा सकते हैं एंड मैनी मोर। नेक्स्ट अपडेट आ रही है आशीष चंचलानी की तरफ से। आशीष चंचलानी के रोहित शेट्टी के सर्कस मूवी के प्री टीजर सौंपे एंड उन्होंने एक रील भी शेयर करा जहां वो मिले मूवी के एक्टर से। नेक्स्ट अपडेट आ रही सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस को लेके। काफी समय निकल चुका है एंड अभी भी सीबीआई की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। सुशांत सिंह राजपूत फैंस ने एक बार फिर सीबीआई ब्रेक साइलेंस इन एसएसआर केस को ट्रेंड करवा दिया है ट्विटर पे एंड करी डिमांड जस्टिस की। नेक्स्ट अपडेट आ रही उर्वशी रोठेला की तरफ से। उर्वशी रोठेला ऋषभ पंत कंट्रोवर्सी पे एक बार फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि आरपी यानी राम पुथेरी उनके नेक्स्ट मूवी के को स्टार हैं। उन्हें पता भी नहीं था कि ऋषभ पंत को आरपी कहा जाता है एंड यूट्यूब मीडिया के खिलाफ बोलते हुए बताया कि वो कुछ भी बोलते तो लोग उन्हें सच मान लेते हैं। साथ ही उन्होंने कॉम्पेरिजन करा एक्टर एंड क्रिकेटर्स का, कहा क्रिकेटर्स काफी ज्यादा रिस्पेक्ट पाते हैं एंड अर्न भी ज्यादा करते हैं, बट एक्टर्स भी कम नहीं है, वो भी अपने देश को प्रेजेंट करते हैं। उन्होंने अपने ट्रोलिंग के ऊपर कहा कि वो काम पे ज्यादा फोकस करना पसंद करती है इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रेस ऑन दिस ट्रोलिंग। नेक्स्ट अपडेट आ रहे मिस्टर बीस्ट की तरफ से। मिस्टर बीस्ट की गर्लफ्रेंड को ट्रोल किया जा रहा है। मिस्टर बीस्ट गर्लफ्रेंड से इज डेटिंग द बिगेस्ट यूट्यूबर इन द वर्ल्ड लाइक अ मूवी, दे सी हैड टू आंसर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बिफोर दे मेट। फिर रिएक्ट करते हुए उन्होंने लिखा अ लॉट ऑफ फेक न्यूज गोइंग अराउंड राइट नाउ। नेक्स्ट अपडेट आ रही ट्रिगर्ड इंसान की तरफ से। ट्रिगर्ड इंसान से जब क्वीन ने वीडियो में पूछा गया कि क्या उनकी नेटवर्थ एज पर सोशल मीडिया 1.2 करोड़ है एंड वो पर वीडियो 8 लाख रुपीस कमाते हैं, उस पर रिएक्ट करते हुए ट्रिगर्ड इंसान ने कुछ ये कहा इन इंडियन रुपीस 15 से 16 करोड़, वीडियो पर इनकम 8 लाख प्लस पर वीडियो, 8 लाख प्लस, मंथली इनकम 25 लाख, ओके ईयरली इनकम 3 करोड़ प्लस। आई थिंक ये तो बहुत ही कुछ ज्यादा लिखा हुआ है। इतना अगर इंडिया में बनता होता पर वीडियो, मैं लेजिट करोड़ों अरबोपति खरबोपति होता, अंबानी के बाद मैं ही होता। इवन दो आई डोंट डिनाई कि यहाँ पे सारी स्टैट्स गलत है, काफी स्टैट्स जो है सही भी मेरे को लग रहे हैं, लेकिन ये पर वीडियो इनकम वाला तो बहुत ही गलत है। और नेटवर्थ 15 करोड़ है ये तो मेरे को खुद को भी नहीं पता। सौरभ जोशी की तरफ से। सौरभ जोशी दिखे अमेजोन मिनी टीवी शो क्रश 2 के लॉन्च इवेंट पे। मिस्टर इंडियन हैगर्ट की टाइटेनियम आर्मी से अलग हुए वीरेंद्र सिंह को काफी सारा हेट मिल रहा है मिस्टर इंडियन हैगर के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद। उन्होंने स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा डोंट बिलीव लाइज, हो सकता है वो अपने नेक्स्ट ब्लॉग में इसके बारे में बात कर सकते हैं और उनकी इस बातों को जानने के लिए अब सब्सक्राइब द चैनल। गाइस स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को।